महाराजा रघु ने महर्षि वशिष्ठ के द्वारा सरयू के तट पर अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि वशिष्ठ ने जब वेद मतों से अग्निदेव का आह्वान किया तो उन्हें तुरंत बोध हुआ कि अग्निदेव यज्ञ की पूर्णादुति में मानव बलि चाहते हैं। महर्षि ने इस आयोजन में उपस्थित सभी लोगों के बीच यज्ञ को पूरा होने के लिए अग्निदेव की चाहत सुनाई। ये सुनकर सभी शंकाकुल दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। अब प्रश्न ये उठा कि हम में से कौन बलि देगा। महामात्य यानी कि राजा के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा कि इस देश के लिए बलि देने का सर्वप्रथम अधिकार मेरा है। इतने में एक और नागरिक ने कहा, नहीं नहीं, आपकी परिपक्व दूरदर्शिता की राज्य को बहुत आवश्यकता है और हम सबको आपकी छत्र छाया चाहिए, मैं अपनी बलि दूंगा। तभी एक नौजवान ने हाथ उठाकर राष्ट्र प्रेम की भावना लिए हुए बोला, नहीं नहीं, आपकी सूझबूझ व अनुभव को इस देश को बहुत जरूरत है, इसलिए बलि मैं दूंगा, क्योंकि सदैव बलि देने का काम नई पीढ़ी का होता है और आप सभी का संरक्षण राष्ट्र को जरूर चाहिए। तभी यज्ञ कुंड में शांत अग्नि तत्काल प्रदीप्त हुई और आकाशवाणी हुई कि बलिदानों के इस मुकाबले से ही बलिदान की चाह पूरी हो चुकी है। जिस राष्ट्र के पास इतने बलिदानी हो उसे आखिर कौन परास्त कर सकता है।